ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले, इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, आफ्टर दैट फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरली कैसे बनता है, टू वेरिएबल इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे बनते हैं। 8th क्लास में हमने पढ़ा था वन वेरिएबल इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, 9th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जस्ट एज्यूम डेट आपके पास कोई इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकाल लिया लाइक दिस 0.3 2.2 4.1 6.0। ये किसी इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, क्लियर है। सबसे पहला काम यही करना होता है, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया होता है टू वेरिएबल का, उसके जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसका आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन निकालने के बाद एक ग्राफ बना लीजिए और उस ग्राफ पे पुट कर देना है आपको, जैसे एक्स वाई में 0.3। तो ये आपको सिखा चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, 0, x पे 0, y पे कितना है 3। तो ये पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद 2.2, तो x पे 2 y पे 2, तो दूसरा हमें यहाँ पे मिला दिस, ठीक है। 4.1 x पे 4 y पे 1, तीसरा हमें यहाँ कहीं मिला, ठीक है। 6.0 अगला जो है x पे 6 जाइए, x पे 6 और y पे 0, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट्स को सबको एक साथ ज्वाइंट कर देना है। तो मैं इसके लिए इस तरीके से ग्राफ लेता हूं मैं और इसको कर देता हूं ज्वाइंट इस तरीके से, तीनों पॉइंट को एक साथ, ओके। तो ये हमारा मिल गया लाइन। ये जो लाइन हमें मिला है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, कोई पूछेगा इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो जो आपका लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, जो आपका इक्वेशन होगा लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो आपका इक्वेशन होगा उसी इक्वेशन का ये तो लाइन बना है, उसी इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकाला, उस सॉल्यूशन को आपने ग्राफ पे पुट किया और लाइन ड्रॉ कर दिया, सारे पॉइंट्स को एक साथ लाइन की हेल्प से जोड़ दिया, तो जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वही आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आपको आगे के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला। किस तरीके से करना है, पहले आप एक सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन वन, क्या क्वेश्चन कह रहा है 4.3 का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपके पास इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, सिर्फ दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है, आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, क्लियर। लाइन के लिए दो पॉइंट चाहिए रहता है, तो हम दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे x और y का। आप चाहो तो फेयर में निकाल सकते हो, क्योंकि मेन आपका काम क्या है, ग्राफ बनाना है, तो कैसे सॉल्व किए वो डिपेंड नहीं करता। आप साइड में ये चीज कर सकते हो कि जब x की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो y हमें 4 मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। करना क्या है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ये सेंटर हो गया ओरिजिन, इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमें यही है। तो पहला क्या है, एक्स जीरो है, पहला क्या है, एक्स जीरो है, वाई फोर है, तो एक्स पे 0 वाई पे 4, तो यहां मार्क कर लीजिए इस तरीके से। दूसरा क्या है, एक्स 4 है और वाई कितना है 0, तो एक्स 4 इस तरीके मार्क कर लीजिए, और ये जो लाइन है इस लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, इन दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़कर इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको भी करना है, ओके। तो अगला जो है दूसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
एक्स वाई, एक्स को जीरो पुट कर दूं तो वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी, और वाई को जीरो पुट कर दूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, स्केल से कीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको स्केल से कर लेना। ये जीरो हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3, इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये बना लिया ग्राफ। आपको स्केल से बनाना है, एक्स पे जीरो जाना है, वाई पे -2, एक्स पे जीरो वाई पे -2, तो एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, एक्स पे 2 वाई पे 0, तो एक्स पे 2 चली जाइए वाई पे 0, तो आपको ये मिल गया। इन दोनों को इस तरीके से आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, है ना, इस तरीके स्ट्रेट लाइन स्केल से ज्वाइन कर लीजिए, गलत बन गया, इसको आप स्केल से इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, तो ये जो आपका लाइन आया, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ये लाइन बना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो इक्वेशन, ये 3 और 4 इक्वेशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, वाई इज इक्वल टू 3x, एक्स वाई, एक्स को अगर जीरो पुट कर देंगे 3 × 0 हो जाएगा, एक्स को जीरो पुट करें तो वाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और वाई को अगर जीरो पुट कर दें तो एक्स 0/3 आ जाएगा, डेट इज जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह हो गया कि आप इसको ग्राफ पे कैसे, यार दो लाइन आपको एक ही पॉइंट ओरिजिन पे ही दोनों मिल रहा है ना, दो सॉल्यूशन, तो आपको मजा नहीं आएगा और इससे आपको बन नहीं पाएगी आपकी ग्राफ, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम हमारा यहाँ पे थोड़ा जीरो जीरो वाला ये फंडा है, यहाँ पे फेल हो जाता है, क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ और ले लेते हैं, चलो इसी में हम दो सॉल्यूशन और ले लेते हैं, क्या जाता है ना। तो अब इस टाइम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, अगर मैं x को 1 ले लूं, x को 1 ले लूं तो y हमारे मिल जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो एक हमारा ये सॉल्यू 0, 0 हो गया। ठीक है, दो किसी भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, काम हो जाता है हमारा, दो पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। तो बस हम यही करते हैं, हमें पास दो कोऑर्डिनेट मिल गया, एक मिल गया 0, 0 और दूसरा मिल गया 1, 3, इससे हमारा लाइन ड्रॉ नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये ओरिजिन ये क्या है, 0, 0, 0, 0, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, और 1, 3, एक्स पे 1 जाना है, दिस इज 1, दिस इज 2, एक्स पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस पता ही है ना, और ये 1, 2, 3, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट मिल गया, दूसरा क्या, 1, 3, एक्स पे 1 वाई पे 3, तो कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं मिल जाएगा, दिस इज 1, 3, है ना। अभी जो लाइन है इनको आप ड्रॉ कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, आपको लाइन ड्रॉ करना है ना इस तरीके से, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर यहीं पे एंड कर सकते हैं। ये मिल गया आपको लाइन, है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, एक्स वाई, एक्स को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो वाई का 3 आ जाएगा, वाई को जीरो पुट कर दूं तो एक्स का आ जाएगा 3/2, है ना, करके देखिए, वाई को अगर जीरो पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, 3/2 इस तरीके से आ जाएगा। 3/2 को क्या हो जाता है, 3/2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट, ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 के आसपास आपका आएगा। ठीक है, तो आपको पॉइंट वाले में लाइन पे पॉइंट बनाने में दिक्कत आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, एक और वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो इस टाइम पे x को अगर मैं 1 ले लेता हूँ, x को अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, x को अगर मैं 1 ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 y आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1, y आ गया 1, तो हमारा पास दो 0, 3 और एक आ गया 1, 1। ठीक है, तो मैं इसके हेल्प से लाइन आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ, तो 1, 2, 3 इधर ले लेता हूँ, 1, 2, 3 इधर ले लेता हूँ, हमारा इतने में काम ही हो जाएगा। सबसे पहला है 0, 3, एक्स पे 0 वाई पे कितना जाना है, 3 जाना है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा है 1, x पे 1, तो हमें ये इस तरीके से दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। अब इनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, तो ये देखिए इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है,
इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। ओके, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, दो लाइन का इक्वेशन आपको बताना है पासिंग थ्रू 2,14 से, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, आपको इसका भी आंसर देना है। देखिए, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करना है ये देख लीजिए आप। 2,14 डेट इज, ये है क्या एक्चुअली में, x कॉमा वाई है ना। तो अब x और y को लेकर आपको बहुत सारे दो इक्वेशन देने हैं, तो मैं क्या x प्लस y लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगा, अगर x हमारा 2 है, y हमारा 14 है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, 16। ये सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ, y की जगह 14 करूँ, तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे ही मैं x माइनस वाई रखूँ, x की जगह पे 2 रखूँ, y की जगह 14 रखूँ, तो क्या माइनस 12, तो LHS RHS वेरीफाई होगा, जरूर होगा। तो ये आपका दो इक्वेशन हो गया, क्लियर है। और भी बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे x प्लस 2y, क्लियर है। अगर हम x की जगह पे 2 रखें, y की जगह 14 रख गए, तो 14 2 28 28 29 30, ठीक है। तो अब इस ये इक्वेशन बन गया, आप x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह पे 14 रखिए, तो LHS RHS वेरीफाई होगा, ऐसी बात है, 30 30 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। आगे पूछा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, तो देयर आर, देखो आप इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हो, और हम जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइंस कैन पास फ्रॉम दिस पॉइंट्स, है ना। बहुत सारे लाइन, इनफाइनाइट लाइन, शुरू में ही मैं आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया तो बताया, सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए के लिए बताइए क्या होगा। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा। 3,4 दिया है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3, वाई की वैल्यू क्या हो गई 4, इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। अब x और y यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 7 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 थ्री जा इज इक्वल टू इतना, ये 3a इज प्लस 7 हो जाएगा। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5, ओके, और a आ जाएगा हमारा 5/3, यही तो फाइंड करना था, है ना, हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। ये कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 है, एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज वाई, तो देखिए टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें, जो ये ट्रेवल कर रहा है वो कितना दिया हुआ है एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स किलोमीटर, ठीक है। और टोटल फेयर की बात करें, तो टोटल एक्स, ये एक्स किलोमीटर जो चलेगी गाड़ी, तो उसके लिए टोटल फेयर कितना होगा, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है, टोटल फेयर कितना है, ये बोल रहा है रुपीज, वाई बोल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में हिंट दिया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए द फेयर इज 8, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पैसा लग रहा है, रुपीज 8 रुपए, और बाकी का फॉर द सब्सटीट्यूट डिस्टेंस, बाकी का जो डिस्टेंस बचा है उसके लिए टोटल फेयर कितना लग रहा है 5 पर किलोमीटर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, 1 किलोमीटर के लिए 8 लग रहा है, तो सब्सटीट्यूट डिस्टेंस कितना बचेगा, ठीक है, सब्सटीट्यूट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे देखिए सब्सिक्वेंट डिस्टेंस की बात करें, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बचा कितना, 1 किलोमीटर का तो 8 रुपए हो गया, बाकी का जो डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस x था, उसमें से अगर हम 1 को माइनस कर दें, उतना ही किलोमीटर हमारा बचा रह गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो किलोमीटर बचा है, ईच किलोमीटर का 5 रुपए लगेगा,
ठीक है, तो फेयर ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो बचा है उसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव इंटू फाइव, इतना ही जो आएगा किसमें, रुपीज में आएगा, है ना, ये आ गया, क्लियर है। तो अब यहां से देखिए, यहां से बहुत आसान है आपको करना। तो फर्स्ट किलोमीटर का पैसा कितना लग रहा है, 8 रुपए। सब्सटीट्यूएंट डिस्टेंस जो बताया उसका पैसा कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। और टोटल पैसा कितना है, टोटल फेयर कितना बताया गया, टोटल फेयर है इतना। तो क्या मैं इसको 8, दिस 8 प्लस एक्स माइनस वन का 5, इन टोटल कितना है पैसा लग रहा है वाई, ये सब रुपीज में है, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, है ना। तो इस तरीके से यही इक्वेशन हमारा बन रहा है। इसको 8 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व किया जाए तो 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, है ना। इक्वेशन अगर इसको जनरल इक्वेशन के टर्म में लिखा जाए, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, कुछ और मत समझ लेना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के टर्म में लिखूं तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूँ, मुझे ग्राफ बनाना है। आगे क्या बोला है कि आपको राइट लीनियर इक्वेशन लिखिए और उसका ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ इसके लिए, पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूँ भाई। तो अगर x को मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो y हमें मिल जाएगा, x को 0 पुट कर दूँ तो ये उधर चला जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, और y को अगर 0 पुट कर दूँ तो x ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई माइनस 3/5 मिल जाएगा, क्लियर है। अब इसका क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं ग्राफ ले लेता हूँ भाई, देखिए इसके लिए मैं ग्राफ ले लेता हूँ, इससे काम हो जाएगा। कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ ले लेते हैं, ओके ठीक है। तो ये ग्राफ ले लिया, अब यहां पे आपको मार्क करना है पॉइंट। देखिए x 0 y 3 पे मार्क कर लेते हैं, तो पहला मार्किंग ये हो गया। दूसरा क्या है कि x माइनस 3.5 पे y 0, तो x 3.5 की को अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लिया जाए। ये देखिए 3 को 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कैलकुलेटर आ गया, 3/5, ओके 0.6 आ रहा है, तो जीरो माइनस 0.6। तो दूसरा जो पॉइंट मिलेगा, x कितना है माइनस 0.6, तो जाहिर सी बात है ये 0 है तो ये 0.5 होगा, यहाँ कहीं पे होगा 0.6, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको, क्लियर है। इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो लीजिए मैं इसको दोनों को कर देता हूँ ज्वाइन, ये लीजिए, ये मिल गया हमको लाइन। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा क्या जो हमारा आया था, लाइक व्हाट इक्वेशन, 5x, दिस इक्वेशन 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया। चाहो तो आप और एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन स्केल से बनाना तो अच्छी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा काम करना था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन फ्रॉम हुज ग्राफ आर गिवन। तो ये आपके पास खूब सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, टोटल देखा जाए फिगर 4.6 के लिए, 4.6 के लिए ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है, 4.7 के लिए ये 4 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और बताना है इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो ये लाइन जो ये जो लाइन है ये बता रहा है, ठीक है, इसमें से कौन सा इक्वेशन। तो दो तरीका है करने का, या तो एक काम करो आप सारे इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लो, पहले 0 0 कॉमा है, 1 कॉमा माइनस 1 है, और एक माइनस 1 और 1 है, ठीक है, ये सब पुट करके देखो
जिसमें ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो वही इक्वेशन जो है इस लाइन का है, क्लियर है? उसी तरीके से इसका बहुत अच्छा ट्रिक से आपको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बताने का, ताकि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सको। देखो पहले सॉल्यूशन जो इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, ठीक है? क्या क्या दिया है, 1, -1, दूसरा दिया है 0, 0, और तीसरा दिया हुआ है -1, 1। तो अगर इसकी पहले की बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसका फर्स्ट जो है y इज इक्वल टू एक्स। तो क्या ये इक्वेशन अगर मैं ये पुट करेगा, चलो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 0, 0 इज y को 0 पुट करूं, x को 0 पुट करूं, तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, बट इसके लिए और इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 0, x को अगर मैं 0 पुट करूं, y को 0 पुट करूं, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? बट अगर x को 1 पुट करूं और y x को 1 पुट करूं, y को -1 पुट करूं, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर x को -1 पुट करूं, y को 1 पुट करूं, और इज इक्वल टू, ये भी 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये तीनों सेटिस ये इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, ये तो मान लो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इस इक्वेशन के लिए ये लाइन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है? तो आप ये लाइन को लिख सकते हो, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसी तरीके से आप इनको भी चेक कर सकते हो, इनको भी चेक कर सकते हो कि y इज इक्वल टू 2x, x 0 y 0 हुआ, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, बट y 1 ये सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फोर्थ देखा जाए तो 2 + 3y = 7x देखा जाए, तो 0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये वाला सेटिस्फाई तो हो जाएगा, बट 1 2 + 3 × 1 - y की जगह -1 = 7, 1 पुट करें तो नहीं होगा सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा और ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है? तो सिर्फ ये इक्वेशन जो है इसके लिए सही है, बाकी सब हमारा क्या हो जाता है, गलत। सेम टू सेम इसके लिए अब देखते हैं, ठीक है? फिर से ये क्वेश्चन जो है फिगर 4.7 को देखिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। एक है क्या हमारा -1, 3 है, 0, 2 है, और एक है 2, 0। पहले के लिए देखते हैं इसके लिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है? तो y को अगर -1 पुट कर दें और x को 3 पुट कर दें, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ये हो जाएगा 5, ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। तो ये इसको आगे, अब एक ही एक तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ये एक पहला वाला हम चेक किए वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है ये तो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा वाला देखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, पहला पुट करते हैं, वाई की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे -1 इसके लिए देख रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 और -+, -3, ये भी सेटिस्फाई नहीं होता, इन तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, इन तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू -x + 2, तो y की जगह पे 3 रख देते हैं, x की जगह पे -1 रख देते हैं, और ये हो जाएगा +2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू +-1, तो ये देखिए यही हो ही नहीं रहा है LHS RHS, तो इसका काम तमाम हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है? ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब लास्ट वाला देख बचा है, x + 2y = 6, इसमें x की जगह पे -1 रखते हैं, +2 × y की जगह पे 3 = 6, तो -1 + 3 = 6 = 6, ये हो जाएगा 5 = 6 है। कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्या? ओह चलो, ये वाला भी सेटिस्फाई इसमें हो रहा नहीं, ठीक है? अपन ने इसमें कुछ गलती किया है, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे क्या गलती किया है हमने। ये थर्ड वाला जो है y इज इक्वल टू -x + 2 है ना, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है, x की वैल्यू कितनी है -1, और ये पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 + 2, 3 = 3। बाकी ये तीनों तो हमने देख लिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये पहला वाला ये सेटिस्फाई हो गया। आप 0, 2 भी करके देख लीजिए, तो 2 = -0 + 2, तो हो जाएगा 2 = 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। बस दो सेटिस्फाई हो गया, दो पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो गया तो तीसरा भी सेटिस्फाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे और ये इस लाइन से भी जुड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट कितना भी पॉइंट ले लो सब एक दूसरे के सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका ऑप्शन दिस एंड इसका ऑप्शन दिस सही है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन है,
थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा बट है बहुत आसान, पढ़ते जाइए और हम करते जाते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, एक तो वर्क डन का टर्म लिखा हुआ है और दूसरा लिखा है डिस्टेंस, ठीक है, वर्क डन ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो मैं वर्क डन ऑफ बॉडी को एक्स लिख देता हूं, ठीक है, और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, उसको मैं वाई मान लेता हूं। अब देखिए वर्क डन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो कह रहा है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूँ, है ना। अब मैं अगर इनको इक्वल करना चाहूँ, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, अगर इन्हें इक्वल करना चाहता हूँ तो एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा के, या सी कुछ भी, ये हमारा इक्वेशन बनकर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके अब आगे देखिए, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, हाँ हो गया, टू वेरिएबल के टर्म में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स जो है 5। तो वेयर के क्या है, के जो है आपका वही तो है आपका कांस्टेंट, और यहाँ पे बताया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स जिसकी वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं, 5 रखने के बाद ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो 5 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5y, ये हमारा बन गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये बन गया LETV। अब क्या करना है, अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्स और वाई पे प्लॉट कर लूंगा। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन वेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट 0 यूनिट। अब क्या करना है, देखो अब वर्क डन वेन द आगे बोल रहा है, ऑल्सो रीड द ग्राफ, ओके उससे पहले भी हम यहाँ है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमने कर दिया, एंड ड्रॉ, अच्छा इसी का ड्रॉ करना है तो इसी का मैं हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स को अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, एक्स को अगर मैं 1 रख दूँ तो वाई की वैल्यू, सॉरी वाई को अगर मैं 1 रख दूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, और यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू -5 रख दूं तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज वाई की वैल्यू -5 रख दिया जाए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके ठीक है, जस्ट एज्यूम डैट वाई की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो एक्स हमारा 5 आ गया, और यही वाई की वैल्यू अगर फिर से अगर -1 ले ले तो जाहिर सी बात है -5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेकर कर सकते हैं, बट मैंने ये वैल्यू इसलिए लिया ताकि हमारा सॉल्व पॉइंट में क्वेश्चन पॉइंट में ना आए सॉल्यूशन, कि हमें दिक्कत हो ग्राफ में बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा इसी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर एक्स पे 5 जाए तो वाई पे 1 जाना है, तो एक्स पे 5, ठीक है, तो इसको मैं लिख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी आप इस तरीके से ले सकते हैं ग्राफ के लिए। अब क्या करना है, एक्स पे 5 जाना है वाई पे 1, तो ये कहीं पे इस यहाँ पे बनेगा, है ना, ये मिल गया हमें क्या 5,1, और दूसरा एक्स पे -5 जाना है, एक्स पे -5 जाना है और वाई पे -1 जाना है, तो दूसरा जो हमें मिलेगा कहीं यहाँ मिलेगा, दूसरा हमें कहीं ये मिलेगा -5,-1, ठीक है, ये मिल गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, आपको स्केल रख के दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ओके ये जो लाइन है आपको मिला, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5y। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन
ठीक है, वर्क डन निकालना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5y, है ना, वेयर एक्स इज वर्क डन, वाई इज डिस्टेंस ट्रेवल। तो जब हम यहाँ पे पहला करें कि y डिस्टेंस ट्रेवल को अगर मैं 2 यूनिट पुट करूं, डिस्टेंस को 2 यूनिट पुट करूं, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। और दूसरा अगर मैं डिस्टेंस को 0 यूनिट पुट करूं तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, 5 × 0 विच इज इक्वल टू 0 यूनिट, 10 यूनिट, है ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यामिनी है, एक लड़की है यामिनी, एक है फातिमा। यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, अर्थक्वेक कहीं आया होगा तो जो जो वहां पे अर्थक्वेक में घायल हुए होंगे, तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के द्वारा आप अगर दान करना चाहते हैं उनके हेल्प के लिए तो कर सकते हैं। उसी में यामिनी और फातिमा ने 100, दोनों लोग मिलकर ₹100 दान किया। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यामिनी कंट्रीब्यूटेड कितना, रुपीज एक्स, ओके, और फातिमा कंट्रीब्यूटेड कितना, रुपीज वाई। अब देखो दोनों ने मिलकर ₹100 जमा किया, अब किसने कितना जमा किया ये तो हमें नहीं पता, और हम कह भी नहीं सकते कि इसने भी 50 किया होगा, इसने भी 50 किया होगा, ये भी नहीं कह सकते, क्या पता इसने 20, उसने 40, उसने 80 किया हो, तो वो तो हमें पता नहीं। दोनों ने मिलके मतलब x प्लस वाई दोनों मिलकर कितना जमा किए हैं, ₹100। तो ये हमारा क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले जो ये लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, x y, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y आ जाएगा 100, और y को 0 पुट कर दें तो x आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करना है, एक ग्राफ ले लेना है आपको। ठीक है, अब मैं x पे इसको इस तरीके से लिखता हूं, 10 का इक्वल ले रहा हूं मैं। ठीक है, 30 40 50, ठीक है, 60, अच्छा ये कम पड़ जाएगा, हम क्या करते हैं ना, और थोड़ा सा ग्राफ को और मॉडिफाई करते हैं। ग्राफ को अब मैं लूंगा कितना, 20 का गैप में, 20 0 से 20, फिर 40 60 80 100, है ना, ग्राफ में अट जाना चाहिए। गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर को आप क्या माने हो, 1 सेंटीमीटर को आपने 20 माना है, 20 रुपीज माने हो। ठीक है, 20 रुपीज, 1 सेंटीमीटर के गैप में 20 20 का लिए। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 20 40 60 80 100, हमारा इतने में, बाकी इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। तो x पे 0 अगर चले, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा हो गया 0। ठीक है, तो x पे अगर हम 0 चले तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आनी चाहिए, तो हमें ये मिल गया। और x पे 100 चले और y पे 0, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपका मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया, खत्म काम। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन कंट्रीज लाइक यूएसए कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अपने इंडिया में सेल्सियस करते हैं, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अच्छा लिख के दिया है, वेयर इज द हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C+32, वेयर एफ इज द फ़ारेनहाइट, सी इज द सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो हमारा ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किसका,
ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखा गया है इसको लिखता हूँ फेरनहाइट, यहाँ लिखता हूँ सेल्सियस। ओके तो अगर मैं फेरनहाइट को क्या पुट कर दूं, ओके तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से, अगर फेरनहाइट को मैं जीरो रख दूं, या ओके फेरनहाइट को अगर मैं जीरो रख दूं तो मजा नहीं आएगा। अगर मैं सेल्सियस पे जीरो रख दूं, सेल्सियस को अगर मैं जीरो रख दूं तो फेरनहाइट हमारा आ जाएगा 32। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं सेल्सियस को -40 रख दूं, सेल्सियस को -40 रख दूं तो 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, ठीक है 8 बार में, 8 9 9 8 जट हमारा हो जाएगा 72, और 72 में से 32 माइनस हो जाएगा तो -40 करके देख लें आप, ये आ जाएगा, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आई थिंक आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया, ग्राफ तो आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे, इतनी देर से कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप इसका सॉल्यूशन में दे दिया हूँ, इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगला है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, वॉट इज द टेम्परेचर इन फेरनहाइट। अगर सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस वाला में 30 पुट कर दो तो फेरनहाइट में क्या आएगा, इसको देखते हैं क्या आएगा। फेरनहाइट इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस की जगह पुट कर देता हूं मैं 30 + 32, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 6 54 + 32, यहां से आपका फेरनहाइट आ जाएगा 86, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 86 फेरनहाइट। ओके अगला है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वॉट इज द टेम्परेचर इन फेरनहाइट। ओके तो एफ इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस जब जीरो पुट कर दूं तो 32, तो फेरनहाइट कितना आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। इतने का आंसर कितना आ रहा है 32 फेरनहाइट। और इफ द टेम्परेचर इज 0 फेरनहाइट, अगर फेरनहाइट को जीरो पुट कर दें सेल्सियस में क्या हो जाएगा, तो 0 = 9/5 C + 32 पुट फेरनहाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या किया था हमने यहाँ पे पुट सेल्सियस इज इक्वल टू 0, तो पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/5 C इज इक्वल टू -32, तो C आ जाएगा -32, ये इसके साथ इनटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 × 5 कर लीजिए तो 32 × 5 हम आपका हो जाएगा दैट इज -160/9, इसको 9 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट -17.77, इसका आंसर हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा -17.77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फेरनहाइट एंड सेल्सियस, हमने देखा था यस कौन सा टेम्परेचर, -40, ठीक है। तो ये फेरनहाइट में भी एंड -40 सेल्सियस, ये दो -40 सेल्सियस पे भी -40 फेरनहाइट आएगा और -40 फेरनहाइट पे भी -40 सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के जो मैंने आपको सॉल्व कराया, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कहीं पे दिक्कत वगैरह है तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।